नमस्कार बच्चों, आज मैं वर्ग 10 का हिंदी व्याकरण शब्द पढ़ाने जा रहा हूँ। शब्द बहुत पहले पढ़े हैं, शब्द दो वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, लेकिन हम आगे इसको पढ़ेंगे। कल हम पढ़ाए थे शब्द शक्ति, तो हम लोग जानेंगे शब्द और उसके बाद हम लोग समझेंगे शब्द शक्ति। तो शब्द, ये भी शब्द क्या है, शब्द तीन प्रकार के हो जाते हैं। कौन कौन प्रकार है? वाच्यार्थक, मुख्यार्थक, शब्द। वाच्यार्थक को ही वाच्य शब्द समझिए या वाच्यार्थक या मुख्यार्थक, अर्थात मुख्य अर्थ बता देने वाला। वाच्यार्थक अर्थात जो कह रहा है वह, जिसके बारे में बताया जा रहा है वह उसके अर्थ को बता रहा है। यहाँ पर इसका दिया गया है धोबी के एक गधा है। यहाँ पर देखिए, कहने का मतलब है कि ये गधा जो है वो किसका है? धोबी का है। गधा रखने वाला व्यक्ति कौन है? धोबी है। इसे, इस गधे का सीधा मुख्य अर्थ है कि वह किसके पास रह रहा है? धोबी के पास रह रहा है। दूसरा है लक्ष्यार्थक या लक्षणिक शब्द। तो लक्ष्यार्थक अर्थात इसका लक्ष्य जो है, लक्षण बता रहा है, लक्ष्य साध रहा है। कुछ देखिए कह रहे हैं कुछ और, लक्ष्य हो रहा है कुछ और, कहने का तात्पर्य कुछ और है, कह रहे हैं कुछ और। दूसरा है लक्ष्य, लक्षणिक है। अब जिसको हम लोग यहाँ एक वाक्य से माध्यम से समझेंगे, मोहन बिल्कुल गधा है। अब देखिए, मोहन एक लड़का है, वह गधा एक जानवर नहीं हो सकता है। कहने का तात्पर्य लक्ष्य यही है कि मोहन बहुत मूर्ख है, बड़ा मूर्ख व्यक्ति है, या मोहन को कुछ समझ में नहीं आता, सीधा साधा है। गधा सीधा साधा जानवर है, और मोहन क्या है? गधा है, उसको समझ नहीं है, अपने से कुछ समझ नहीं पाता है। ये लक्ष्य है, ये अर्थ है, हमारे कहने का तात्पर्य है कि मोहन बिल्कुल ही सीधा साधा है। या यूं कहे कि हमारा यदि लक्ष्य है कि मोहन मूर्ख है तो ये भी गलत नहीं होगा। अब दूसरा देखेंगे व्यंग्यार्थक या व्यंगात्मक शब्द, इसको हम लोग देखेंगे। कभी कभी आदमी सीधी बात नहीं कहता है, व्यंग करता है। अब बच्चों, आप लोग सोए रहते हैं, आपके पापा मम्मी देखते हैं कि वह सुबह हो गई, धूप निकल गए, बच्चे सोए हैं, आज रविवार है, स्कूल नहीं जाना है, सोए रहते हैं तो जगाते नहीं है, बोलते हैं, कहते हैं सवेरा हो गया है, अर्थात कहने का मतलब है कि उठ जाइए, जग जाना है। यहाँ पर व्यंग किया जा रहा है, सवेरा हो गया है, आप सोए हैं, सुन रहे हैं, आपको सीधा कहा नहीं जा रहा है कि आप जग जाइए, है ना, ऐसा नहीं कहा जा रहा है, कहा जा रहा है सवेरा हो गया है। सवेरा हो गया है का तात्पर्य यहां पर है कि आपको जगना है। तो इस तरह से बच्चों, शब्द के तीन भेद होते हैं और इसके बारे में हम आपको उदाहरण दे करके समझा रहे हैं। अगले वीडियो में मैं शब्द शक्ति के बारे में बताऊंगा और विस्तार से कि किस तरह से यही शब्द अपनी शक्ति के द्वारा अर्थ को ही बदल डालते हैं। तो इसको हम लोग सीखेंगे अगले वीडियो में।